गेम ऑफ थ्रोन सीजन 3 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत में हम पहुंचते हैं जेमी लैनिस्टर के पास, जो एक घोड़े पर बैठा हुआ है। और आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड की आखिर में उसके एक हाथ को काट दिया गया था। यही हाथ अभी जेमी लैनिस्टर के गले के पास टंगा हुआ है। लॉक ने ये काम किया है क्योंकि वो जेमी को बुरी तरह से ह्यूमिलेट करना चाहता है, परेशान करना चाहता है। ऐसा ही हो रहा है। साथ ही ये भी हो रहा है कि जेमी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसे काफ़ी दिनों से शायद फीड नहीं किया गया है, पानी नहीं पिलाया गया है, और वो घोड़े पर बैठा तो हुआ है मगर लगभग गिरने वाला है। ब्रियान इस बात को देखती है और वो लॉक को आवाज़ लगाकर कहती है कि जेमी को संभालो, उसे पकड़ो, ये गिरने वाला है। मगर किसी को भी जेमी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो वहीं पर कीचड़ के बीच गिर जाता है। उसके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, वो पानी पीने के लिए मांग रहा है। सामने एक आदमी आता है, वो पानी की बोतल तो निकालता है लेकिन उसे पीने के लिए नहीं देता, उसके सर पर डाल देता है। तभी लॉक भी उतरता है, वो भी जेमी के पास आता है और फाइनली पानी उसके सामने बढ़ाता है। मगर ये पानी नहीं है, हॉर्स पिस है। बेसिकली जेमी को बुली किया जा रहा है। जेमी को जब पता चलता है कि उसके साथ इस तरह का ह्यूमिलिएशन हो रहा है, वो एक आदमी की तलवार खींचकर निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि जेमी चाह रहा है कि उसे मार दिया जाए, कम से कम उसके हाथ में तलवार तो होगी मौत के वक्त। मगर ऐसा होता नहीं है। जेमी को बुरी तरह से धक्का वक्का मारा जाता है और पीटा जाता है मगर जान नहीं ली जाती उसकी। ब्रियान भी आप देखेंगे कि बीच में आने की कोशिश करती है, जेमी को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो भी मजबूर है। उसे भी लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। अल्टीमेटली रात के वक्त जब ये लोग एक जगह पर रुके हुए होते हैं, ब्रियान जेमी को समझाने की कोशिश करती है कि कुछ खा लो। इनके सामने खाना रखा है मगर जेमी कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं है। जेमी कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ब्रियान यहाँ पर जेमी को बहुत अच्छे से डांटती है। वो कहती है कि तुम कितने बड़े डरपोक हो, तुम्हें बदला नहीं लेना। जेमी कहता है कि मुझे बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो हुआ सो हुआ, और जो हाथ मेरा कटा था वो मेरा स्वॉर्ड हैंड था। अगर मेरे पास स्वॉर्ड हैंड ही नहीं है तो मैं एक नाइट नहीं हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से कैसे बिता सकता हूँ। ब्रियान कहती है कि रोना बंद करो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। लोग न जाने कैसे कैसे दुख सहते हुए जिंदा रहते हैं, तुम्हारे साथ इतना भी बुरा नहीं हुआ है। इसके बाद ब्रियान कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। मैं जानती हूँ कि तुमने लॉक से झूठ कहा। तुमने कहा कि टार्थ वो जगह है जहाँ पर सफायर्स होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि टार्थ को सफायर आयल कहा जाता है, मगर ऐसा इसलिए क्योंकि सफायर नीला होता है और टार्थ के चारों तरफ नीला पानी है, किसी जेमस्टोन की वजह से नहीं। मैं जानती हूँ तुमने मेरी मदद की, मगर क्यों? जेमी के पास जवाब नहीं है। और हम अगले सीन में पहुंचते हैं किंग्स लैंडिंग, जहां पर सर्सी टाइविन लैनिस्टर से जेमी की रिहाई के बारे में सवाल पूछ रही है। टाइविन कहता है कि टीरियन को तुम जानती हो, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मगर फिर भी जब कैटलिन ने टीरियन को बंदी बनाया था तो मैंने जंग छेड़ दी थी, तो तुम ये सोचो कि मैं अपने बड़े बेटे के लिए क्या कुछ करूंगा। सर्सी कहती है, मैं जानती हूँ कि आप जेमी को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे, मगर एक और मुद्दे की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि टायरल्स जॉफरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो उसे अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। यहाँ पर टाइविन जो है वो सर्सी को समझाने की कोशिश करता है कि ये काम असल में तुम्हें करना चाहिए था। मार्जरी अगर आज जॉफरी को मैनिपुलेट कर रही है तो इसकी नौबत इसलिए आई है क्योंकि तुम ये काम सही से नहीं कर पाई। तुम्हारे रहते जॉफरी ने किंग्स लैंडिंग में ऐसी हालत ला दी कि लोग तुम लोगों पर ही हमला करने लगे। जॉफरी ने बहुत गलत डिसीजंस लिए और तुम उस वक्त यहाँ पर क्वीन थी। सर्सी कहती है कि अगर आपके बस की बात है तो आप जॉफरी को रोककर दिखाइए, उसका जो मन चाहता है वो वही करता है। किंग्स लैंडिंग में टीरियन लैनिस्टर वैरिस से मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि सर्सी ने मुझे जो मारने का आदेश दिया था उसके क्या कुछ सबूत मौजूद है तुम्हारे पास। वैरिस कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ विस्पर्स हैं, अफवाहें हैं, र्यूमर्स हैं, सबूत तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। टीरियन कहता है कि वो सर्सी से बदला लेना चाहता है। आप नोटिस करेंगे कि वैरिस यहाँ पर टीरियन से बात करते हुए एक बड़े से लकड़ी के डब्बे को खोल रहा है। वो एक एक करके इस पर लगी कीलों को निकाल रहा है। जब बदले की बात होती है तो वैरिस टीरियन को कहता है कि आप उस किस्से के बारे में नहीं जानते ना जब मुझे कट किया गया था। आपको पता होगा कि वैरिस एक यूनक है, उसे बचपन में कैस्ट्रेट कर दिया गया था। यहाँ पर वैरिस टीरियन को किस्सा सुनाता है कि जब वो नाटक मंडली में काम करता था और एसोस में रहता था, फ्री सिटीज का हिस्सा हुआ करता था, तब उसके मालिक ने उसे एक जादूगर को बेच दिया था।
उस जादूगर ने वायरस को एक ऐसी दवा पिलाई जिससे उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर सकता था, मगर उसका दिमाग चल रहा था। वायरस तब बच्चा था और उस वक्त उस जादूगर ने वायरस को कैस्ट्रेट किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को एक आग में डाल दिया और वायरस के हिसाब से तब उस आग से एक आवाज निकली थी जो आज भी उसके सपनों में आती है, उसे डराती है। तभी से वायरस ने जादूगरों से नफरत करना शुरू कर दिया था। वायरस कहता है कि तब से अब तक उसने बहुत स्ट्रगल किया और फाइनली वो स्मॉल काउंसिल का हिस्सा बना। अब उसका दौर है। वो उस लकड़ी के डब्बे पे से ढक्कन हटाता है और पता चलता है कि अंदर एक शख्स बैठा हुआ है जिसकी हालत काफी खराब लग रही है। न जाने वो इस डिब्बे में कब से बंद था। ये वही जादूगर है जिसने बचपन में वायरस के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी। हमें पता नहीं है कि ये डब्बा यहाँ पर कब आया, क्योंकि वायरस इसको खोल रहा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एसोस से शायद अभी अभी ही ये डिलीवरी हुई है। ये भी हो सकता है कि वायरस ने इस डब्बे को अपने यहाँ पता नहीं शायद सालों से रखा हुआ है। रिवरलैंड्स के ही एक हिस्से में आर्या और गेंड्री के चेहरे पर नकाब डालकर घोड़े पर बिठाकर उन्हें एक जगह पर लेकर जाया जा रहा है। ये लोग ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स के साथ हैं। एक जगह पर पहुंचते हैं जो केव है। असल में इस जगह को हॉलो हिल कहा जाता है, जो रिवरलैंड्स के नीचे बना हुआ है। टनल्स के जरिए बहुत सारी गुफाएं हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। बेसिकली ये ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स का ठिकाना है। यहीं पर छुपकर घात लगाकर ये लैनिस्टर्स पर हमला करते हैं और फिर वापस आकर यहीं पर छुप जाते हैं। ये जगह सीक्रेट है, इसीलिए आर्य और गेंड्री के चेहरे को ढका गया है ताकि ये रास्ते के बारे में अंदाजा ना लगा सकें। आप देखेंगे कि जब ये लोग केव के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर बेरिक डंडेरियन होता है। ये असल में वो शख्स है जिसे नेट स्टार्क ने फर्स्ट सीजन में ग्रेगर क्लेगेन को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया था। I charge you to bring the king's justice to the false knight Gregor Clegane and all those who shared in his crimes. I denounce him and detain him. I strip him of all ranks and titles, of all lands and holdings, and sentence him to death. उस वक्त नेड स्टार्क ने माउंटेन को मौत की सजा सुनाई थी और बेरिक डुंडारियन के हाथ में जिम्मेदारी थी कि उसे वापस किंग्स लैंडिंग तक लाया जाए। एक्चुअली ग्रेगर क्लेगेन तब रिवरलैंड्स में तबाही मचा रहा था टाइविन लैनिस्टर के कहने पर। यहाँ पर ये लोग इसी बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ग्रेगर ने किस तरह से रिवरलैंड्स में बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया लैनिस्टर सोल्जर्स ने। यहाँ इस बात का भी जिक्र होता है कि किस तरह से लैनिस्टर सोल्जर्स बच्चों को भी मार रहे हैं और बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। हाउंड कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। यहाँ पर कहा जाता है कि क्लेगेन घराना मरे हुए बच्चों पर ही खड़ा हुआ है और बताया जाता है कि किस तरह से माउंटेन ने रेगार टारगेरियन के दोनों बच्चों को मार डाला था, एगॉन और रेनिस को। हाउंड कहता है कि ये काम मैंने नहीं किया था, तुम मेरे भाई के गुनाहों की सजा मुझे नहीं दे सकते। बात तो सही है कि माउंटेन ने जो किया है उसकी सजा हाउंड को क्यों मिलेगी, मगर तब तक आर्या बीच में बोल उठती है कि तुमने मायका को मारा था, वो मेरा दोस्त था। हाउंड कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बात सही है कि मैंने मायका को मारा था, मगर तब मैं प्रिंस जॉफरी को सर्व करता था और उस बच्चे ने जॉफरी पर अटैक किया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आर्या कहती है कि ये बात झूठ है, मायका ने जॉफरी को नहीं मारा था, मैंने जॉफरी को मारा था। इस पर हाउंड कहता है तब तो मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए। थोरस ऑफ मीर और बेरिक डंडारियन डिसाइड करते हैं कि हाउंड को ट्रायल बाय कॉम्बैट का मौका दिया जाएगा और लॉर्ड ऑफ द लाइट डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। बेरिक डंडारियन आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे होगा। किंग्स लैंडिंग में सेप्ट ऑफ बेलर में मार्जरी और जॉफरी एक साथ हैं। यहाँ पर ओलेना टायरेल और सर्सी भी मौजूद हैं। आप देखेंगे कि जॉफरी सेप्ट ऑफ बेलर में किस तरह से मार्जरी को चारों तरफ घुमा रहा है और टारगेरियन घराने के जो राजा थे उनकी टूम्स दिखा रहा है, उनकी कब्रें दिखा रहा है, साथ ही उनसे रिलेटेड किस्से भी सुना रहा है। उसे इस तरह की मॉन्स्टर्स बातें करना या फिर इस तरह का जिक्र कि किसने किसको मारा और कितनी बुरी तरह से मारा बताने में बहुत मजा आता है। मार्जरी इस बात को थोड़ा शेयर भी देती है और जॉफरी को कहती है कि टारगेरियंस भले ही बहुत ज्यादा क्रूअल थे मगर वो महान थे। वो जॉफरी को इनडायरेक्टली अप्रिशिएट कर रही है और कह रही है कि भले ही तुम क्रूअल हो मगर तुम महान हो सकते हो।
तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि सेप्ट ऑफ बेलर के बाहर आम जनता खड़ी हुई है जो जॉफरी को शायद देखना चाहती है, अपने राजा के दर्शन करना चाहती है। एक्चुअली ज्यादा आवाजें जो है ना वो मार्जरी के फेवर में है। आपको याद होगा कि मार्जरी ने किंग्स लैंडिंग में कदम रखने के बाद यहाँ के स्मॉल फोक को, यहाँ की जो आम जनता है उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश की। मतलब वो ऑर्फनेजेस में गई और वहां पर दान पुण्य का काम किया और भी आम लोगों से कनेक्टेड रहती है वो। वो जॉफरी को कहती है कि क्यों ना बाहर चलें, ये लोग आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपने इन्हें बैटल ऑफ ब्लैक वाटर के दौरान बचाया, आपने डिफेंस को कायम रखा। इस पर जॉफरी मार्जरी की बात से थोड़ा कन्विंस हो जाता है और उसके साथ बाहर की तरफ कदम रखता है। पीछे से सर्सी जॉफरी को रोकने की कोशिश करती है मगर तब तक वो मार्जरी के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ जाता है और बाहर लोग किंग जॉफरी कहकर चिल्ला रहे हैं, मार्जरी के लिए नारे लगा रहे हैं। मार्जरी अपना हाथ उठाती है और जॉफरी भी उसको देखता है और वो भी उसी की तरह अपना हाथ उठाता है और पब्लिक की तरफ वेव करता है। पहली बार वो लाइफ में इस बात को महसूस कर रहा है कि लोग उसे पसंद भी कर सकते हैं, लोग उसके लिए नारे भी लगा सकते हैं। अब तक तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रूल्टी के दम पर ही रूल करना समझ पा रहा था क्योंकि उसकी माँ ने यानी कि सर्सी ने उसे यही समझाया है कि आप लोगों को प्यार से नहीं जीत सकते, डर काम करता है। मगर मार्जरी ने यहाँ पर एक दूसरा ही पहलू रख दिया है सामने। बियॉन्ड द वॉल क्रैस्टर कीप में क्रैस्टर के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। वो जियोर मॉर्मोंट को कहता है कि आप अपने लोगों को लेकर अब यहाँ से रवाना हो जाइए। मगर यहाँ पर नाइट्स वॉच के बीच दो गुट बन गए हैं, एक गुट जियोर मॉर्मोंट के साथ है, दूसरा ग्रुप थोड़ा बागी हो रहा है। उसे लगता है कि क्रैस्टर इनकी वाइन पी रहा है मगर बदले में ज्यादा खाना नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सैमुअल कहता है कि क्रैस्टर को अपनी बेटियों के लिए खाना बचाकर रखने की जरूरत है क्योंकि सर्दियां चल रही हैं। बाद में आप देखेंगे कि जियोर मॉर्मोंट और बाकी सारे नाइट्स वॉच के लोग क्रैस्टर के साथ होते हैं और यहाँ पर कुछ बहस छिड़ जाती है। क्रैस्टर के साथ एक आदमी बदतमीजी करता है, नाइट्स वॉच का ही ये मेंबर है, क्रैस्टर के साथ थोड़ा इसका झगड़ा हो जाता है। रास्ट भी इस बहस में शामिल होता है, जियोर मॉर्मोंट उसे बाहर ले जाते हैं। तब तक यहाँ पर जो पहला वाला शख्स होता है जो झगड़ा कर रहा होता है वो कैस्टर को मार देता है। जियोर मॉर्मोंट जब तक वापस कैबिन में आते हैं वो देखते हैं ऐसा होते हुए और वो कहते हैं कि तुमने जो किया है बहुत गलत है। मगर तब तक रास्ट जियोर मॉर्मोंट पर पीछे से हमला करता है और लिटरली पीछे से वार करते हुए उन्हें मारने की कोशिश करता है। वो रास्ट की गर्दन पकड़ते हैं और खुद मरते हुए उसे भी मारने की कोशिश करते हैं। अब क्रैस्टर कीप का जो माहौल है पूरी तरह से बदल चुका है। लॉर्ड कमांडर के जो वफादार लोग हैं वो रास्ट और उसके साथ जो बागी लोग हैं उनसे निपट रहे हैं। तब तक सैमुअल कीप से भाग चुका है, वो गिली के पास जाता है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है। गिली, उसका बच्चा, सैमुअल तीनों यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि उसे पता है कि गिली रास्ट या उस जैसे बाकी लोगों के हाथ नहीं लगनी चाहिए और बच्चा भी उनके पास है और उसकी हिफाजत की भी जरूरत है। यहाँ कीप में जियोर मॉर्मोंट रास्ट को मार नहीं पाते, उससे पहले ही उनके मुंह से एकदम से ब्लड निकलता है और वो मुड़कर थोड़ा आगे चलते हैं और गिर जाते हैं। तब तक रास्ट आता है और लगातार खंजर घोपते हुए जियोर मॉर्मोंट को मार डालता है। किंग्स लैंडिंग में वैरिस ओलेना टायरेल से मिलने पहुंचता है और उसे बताता है कि मैं जानता हूं आपको सैंसा स्टार्क में काफी दिलचस्पी है आजकल। ओलेना कहती है कि सैंसा का बचपन काफी इंटरेस्टिंग रहा है इसीलिए मैं उसमें दिलचस्पी ले रही हूँ। वैरिस कहता है कि हाँ, सैंसा के जो पिता हैं नेड स्टार्क वो काफी ज्यादा ऑनरेबल थे। ओलेना कहती है कि भले ही वो बहुत ऑनरेबल थे ये तो सब जानते हैं मगर किसी ने भी उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। जब उनका सर कट रहा था तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वैरिस कहता है कि सैंसा स्टार्क काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर रॉब स्टार्क की आगे चलकर मौत हो जाए या वो हार जाए तो सैंसा काफी पावरफुल पोजिशन में आ जाएगी। वो कहता है कि लिटिल फिंगर वेल जाने वाला है और वैरिस को पता चला है कि वो अपने साथ किसी को लेकर जाएगा। हो सकता है कि वो सैंसा को किंग्स लैंडिंग से स्मगल करके वेल ले जाए और सैंसा से शादी कर ले। ओलेना वैरिस की बातों को ध्यान से सुनती है और इस पर अमल करती है। वो सैंसा को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी। वो एक काफी इंपॉर्टेंट प्यादा है जो ओलेना टायरेल के हाथ में होना चाहिए। इसीलिए तो आप अगले सीन में देखेंगे कि मार्जरी सैंसा से बात कर रही है। वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ हम बहनों की तरह रहें।
तुम्हें हाई गार्डन काफी पसंद आएगा, वो काफी खूबसूरत जगह है। वो सांसा को कहती है कि तुम मेरे भाई लॉरस से शादी करना चाहोगी। सांसा अपने खुशी के आंसुओं को कंट्रोल में करते हुए हाँ कह देती है शादी के लिए। नॉर्थ के जंगलों में ब्रैन स्टार्क जोजन रीड के साथ आगे बढ़ रहा है। ये लोग मिलकर एक सपना देख रहे हैं जिसमें थ्री आई ड्रेवन है। जोजन ब्रैन को कहता है कि तुम्हें वहां जाना होगा जहां पर थ्री आई ड्रेवन तुम्हें बुला रहा है। इसी सपने में कैटलन आती है और ब्रैन को कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि ऊपर नहीं चढ़ना, ऊपर नहीं चढ़ना। और ऐसे कहते कहते ब्रैन को धक्का दे देती है पेड़ पर से। जब ब्रैन और जोजन की आंखें खुलती हैं तो तय होता है कि थ्री आई ड्रेवन का पीछा करना जरूरी है। यही कहीं आसपास, शायद कुछ दूरी पर ही थियोन ग्रेजॉय अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके साथ वो शख्स है जिसने उसे आजाद करवाया। वो थियोन को एक केव में लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ अंदर तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोहे का एक दरवाजा होता है जिसे ये शख्स खोलने की कोशिश करता है और तब तक थियोन वहीं पर बैठ जाता है और अपने मन की बात करने लगता है। वो कहता है, मैंने बहुत ही गलत डिसीजन लिए, मेरे असली पिता तो किंग्स लैंडिंग में ही मारे जा चुके थे। वो यहाँ पर कह रहा है कि नेड स्टार्क उसके असली पिता थे क्योंकि उन्होंने ही उसे पाला पोसा और बड़ा किया, जबकि उसके खुद के पिता को थियोन की जान की जरा भी परवाह नहीं है। वो बताता है कि उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि उसने दो मासूम बच्चों को मरवा डाला। ये शख्स यहाँ पे थियोन से पूछता है कि क्या स्टार्क बच्चे थे वो, और थियोन असलियत बताता है कि वो दोनों बच्चे ब्रैन और रिकॉन नहीं थे, वो पास के ही एक फार्म में रहने वाले दो बच्चे थे जो इत्तेफाक से ब्रैन और रिकॉन की उम्र के ही थे। इसीलिए उन दोनों को मरवा कर विंटरफेल की दीवारों पर टंगवा दिया गया और कहा गया कि ब्रैन और रिकॉन मारे जा चुके हैं। खैर, अल्टीमेटली जब ये दरवाजा खुलता है और थियोन इस शख्स के साथ वापस अंदर आता है तो यारा यारा कहकर बुलाता है। ये शख्स कहता है, एक मिनट, और फिर मशाल जलाता है। जैसे ही कमरे में रोशनी फैलती है, थियोन को अंदाजा होता है कि वो जहां से भागा था वापस उसी जगह पर आ चुका है। सामने वो क्रॉस टंगा हुआ है जिस पर पहले थियोन खुद लटका हुआ था। थियोन समझ जाता है कि उसके साथ गेम खेला गया है। वो चीखता है, चिल्लाता है। वहां पर और भी लोग होते हैं जो थियोन को पकड़ लेते हैं। ये शख्स इन लोगों से कहता है कि थियोन ने बाकी लोगों को मार डाला और ये थियोन को पकड़ कर लाया है। थियोन कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मगर थियोन की बात कौन सुनेगा। ये शख्स कौन है जो थियोन को टॉर्चर तो करवा ही रहा है, साथ ही उसके साथ माइंड गेम्स भी खेल रहा है, इसका मकसद क्या है? नैरो सी के पार फ्री सिटी एस्टापोर में डेनेरियस फाइनली पहुंच चुकी है अपने ड्रैगन को लेकर अनसलिट्स की आर्मी खरीदने के लिए। यहाँ पर बैरिस्टन सेलमी और जोरा मॉर्मोंट भी उसके साथ हैं। ये लोग स्लेवर के सामने पहुंचते हैं। डील फाइनल करने के लिए डेनेरियस ड्रोगोन को लेकर आती है। आप देखेंगे कि उसके पैरों में जंजीर बंधी हुई है जैसे कि वो एक गुलाम हो। डेनेरियस इस जंजीर को उस स्लेवर के हाथ में सौंप देती है और आप देखेंगे कि वो जो स्लेवर है वो ड्रोगोन में इतना ज्यादा बिजी हो चुका है, उतना ज्यादा मशगूल हो चुका है कि वो डेनेरियस की तरफ देखता भी नहीं है और उसके हाथ में विप पकड़ा देता है। डेनेरियस पूछती है कि क्या अब ये अनसलिड मेरी बात मानेंगे, मैं जो भी कहूंगी करेंगे। स्लेवर कहता है कि हाँ, जो भी तुम चाहोगी अब ये वही करेंगे। डेनेरियस इसके बाद इन लोगों से वेलेरियन भाषा में बात करना स्टार्ट करती है। स्लेवर अभी भी ड्रैगन में ही बिजी है, उसी को हैंडल करने में लगा हुआ है और वो ध्यान नहीं दे रहा कि डेनेरियस जो है वो वेलेरियन भाषा बोल रही है, जिस भाषा में ऑलरेडी ये स्लेवर इतने दिनों से उससे बात कर रहा था। और डेनेरियस ये प्रिटेंड कर रही थी कि वो नहीं जानती कि ये भाषा क्या है और उसे ये समझ में नहीं आती। वो अपने अनसलिट सोल्जर्स को एड्रेस करती है और कहती है कि यहाँ पर जितने भी स्लेव मास्टर्स हैं उन्हें मार दिया जाए, जिन भी लोगों के हाथ में विप है उन्हें खत्म कर दिया जाए। ये लोग डेनेरियस का ऑर्डर मानते हैं। इससे ठीक पहले वो स्लेवर डेनेरियस को कहता है कि ये ड्रैगन मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, क्या करना होगा। डेनेरियस पलट कर उसे वेलेरियन भाषा में कहती है कि ड्रैगन्स गुलाम नहीं होते। And Valeria Wepoana got excited.
Valeria Munoz knew his Issa. इस इंसान को समझ में आ जाता है कि डेनेरियस ने कोई गेम खेला है और तब तक वो कहती है ड्रकारस और ड्रोगोन अपने मुंह से आग उगलता है और वो स्लेवर उस आग में मारा जाता है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सिटी के उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी स्लेव मास्टर्स थे स्लेवर्स थे उन्हें भी खत्म किया जा चुका है। डेनेरियस अपनी नई नई अनसेलेड आर्मी के साथ और अपने डोथराकी मेंबर्स के साथ आगे बढ़ रही है। उसके साथ अब मिसेंडी भी है और तीन ड्रैगन्स तो हैं ही। खत्म हो जाता है ये एपिसोड। आगे क्या होगा? डेनेरियस को इतने आराम से इतनी आसानी से इतनी बड़ी आर्मी मिल चुकी है, अब उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमें शायद आगे पता चलेगा। फिलहाल बाय। एक मिनट, अभी कहीं जाना नहीं है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपना ख्याल रखिए।